शुरुआत करूं कहां से, लो एक किस्सा तुम्हें सुनाता हूं। वतन मोहब्बत की है दास्तान, लो आज तुम्हें बताता हूं। वैसे पढ़ा होगा तुमने भी इन दीवानों को कई कई बार, एक बार फिर आज मैं तुम्हें इन सरफिरों से मिलाता हूं। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, आज बात शायरियों में होगी, क्योंकि मैं जिनकी बात कर रहा हूं, वहां से अंग्रेजी हुकूमत के लॉयरों के सवाल आया करते थे, वो अंग्रेजी में सवाल पूछा करते थे और यहां से जवाब शायरियों में मिला करता था। फंदा सामने लटक रहा था और कुछ वक्त और था, चेहरे पे हंसी, जुबा इनकलाबी, इनका अंदाज बेखौफ था। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में खत्म हुआ है। हम भारतीयों को लगा है कि अब अंग्रेजी हुकूमत हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, मगर ये क्या, ये तो रॉलेट एक्ट ले आए। इस एक्ट के तहत ये किसी को भी बिना सबूत के गिरफ्तार कर सकते थे और इस एक्ट का विरोध करने के लिए एक पीसफुल बैठक बैठी गई है और फिर वो हुआ जिसे आप सब लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। पूरे देश में आक्रोश छा गया। 5 सितंबर 1920 महात्मा गांधी का शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा था, छोटा बड़ा हर एक नेता गांधी के साथ खड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो हमें अब आजादी मिल जाएगी, मगर ये क्या, 5 फरवरी 1922 चौराचौरी की घटना ने महात्मा गांधी के दिल को बहुत झकझोर दिया। गांधी जी इस घटना से, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, इस घटना से बहुत आहत हो गए और उन्होंने, वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन हो और इसके वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। और जैसे ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया है तो सारे युवा भड़क उठे, लड़के हमें आजादी मिलेगी शांति से नहीं। भले ही गांधी जी के विचारों से वो अलग हो गए, मगर बापू के लिए दिल में उनका सम्मान और प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। हवाओं में गुलामी थी, सांसों में घुटन थी, आलम बुजदिली का बना था, जुल्म का सिलसिला चला था। साल 1924, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के सिलसिले को खत्म करने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने शुरुआत की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और फिर यहां से एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। इनकलाबी का आलम दिखाओ जरा, किस मंजर पर पहुंचे हो बताओ जरा। कौन थे वो 10 लोग और कहां से आए थे, बहुत नाश था हुकूमत को खुद पर, अब क्यों चेहरे मुरझाए थे। अंग्रेजों ने उन्हें डकैत बोला और इस कांड को बोला डकैती, पर यह कोई डकैती नहीं थी, वो अपना हक छीनने आए थे। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड का वो ऐतिहासिक दिन, मगर उससे कुछ महीने पहले राम प्रसाद बिस्मिल, कमाल के शायर, वर्सटाइल, यही है जो काकोरी कांड का नेतृत्व करेंगे। सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई पैसेंजर ट्रेन में इन्होंने देखा कि उसमें अंग्रेजों का खजाना जाता है और वहीं से इनके दिमाग में आया कि उसमें गोरों ने ज्यादा सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई थी और इसी बात से उनके दिमाग में आया कि इसे लूटा जाए। गोरों को बहुत नाश था खुद पे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी घटना भी हो जाएगी। नहीं जीना है इन गोरों की गुलामी में, चैन तभी आएगा जब इस आजाद हवा में सांस लूंगा। एक बात और, वो गोरों का पैसा नहीं, वो हमारा पैसा था, हमारा ही पैसा था, उस पर अधिकार हम भारतीयों का था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक बैठी, रामप्रसाद बिस्मिल बोल उठे, अंग्रेजों के डर से कोई भी हमें पैसे नहीं देता, अगर अपने जमींदारों को लूटेंगे तो लोग हमें क्रांतिकारी नहीं डकैत बोलेंगे। तभी सचेंद्रनाथ सान्याल जी बोले, आजादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, असला बारूद लेना है, पोस्टर छपवाने हैं, आखिर कब तक हम सूखे चनों को अपने जेबों में रखकर काम चलाते रहेंगे, ऐसा गुजारा कब तक होगा। और फिर रामप्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन की सारी बातें बताई और फिर प्लान बना एक ऐसे कांड का जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव उड़ा दी, धज्जिया उड़ा के रख दी थी। बिस्मिल की शान था वो, बिस्मिल का मान था वो, दोस्ती का चर्चा इस कदर मशहूर था शहर भर में, बिस्मिल का यार अशफाकुल्ला खान था वो। आओ अब इन नामों का जिक्र करें जो इस कांड को सफल बनाएंगे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन लाल, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद, मुकंदी लाल, मन्मथनाथ गुप्ता, सचिंद्र नाथ बख्शी। 9 अगस्त 1925 एट डाउन पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ चला करती थी, 8 डब्बे की ट्रेन में जिसमें गार्ड के बोगी वाले डब्बे में खजाना रखा गया था, रात को कुछ क्रांतिकारी दूसरे और तीसरे डब्बे में चढ़ गए और रात दो बजे करीब लखनऊ से 8 किलोमीटर पहले काकोरी नाम की जगह पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन की पुलिंग की और जितने क्रांतिकारी सब बाहर छिपे बैठे थे वो सब ट्रेन पर चढ़ गए। और तभी ट्रेन पर चढ़ने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बोले, मेरे लोगों डरो मत, हम यहाँ तुम्हें लूटने नहीं आए हैं, हम तो इन गोरों से अपना हक लेने आए हैं, ये जो सब हम कर रहे हैं ये हम हमारी आजादी के लिए कर रहे हैं।
और जितने भी पुलिस वाले थे वहां पे ब्रिटिश, जितने भी भारतीय पुलिस वाले ब्रिटिश हुकूमत के थे वहां पे, उन सभी को भी किसी को भी कुछ नहीं किया गया। और वो खजाने का जो डब्बा था उसे 8 लोगों की 8 ब्रिटिश सिपाहियों की मदद ली जाती थी उसे उतारने और चढ़ाने में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उसे अकेले उतार के नीचे रख दिया था। तभी खजाने का बक्सा खोलने के लिए अशफाकुल्ला खान ने अपनी मौजर मन्मथनाथ गुप्ता के हाथ में थमा दी और हड़बड़ी में आके मन्मथनाथ गुप्ता से फायरिंग हो गई और एक ही पैसेंजर इस पूरे कांड में मारा गया। उस फायरिंग में देसी कट्टे और 4 जर्मन माउजर का इस्तेमाल किया गया था और वो जर्मन माउजर की अहमियत आज के AK-47 के बराबर है। 8,000 रुपए की धनराशि मिली। खबर आग की तरफ फैल गई थी। सरकार ने करीब 10 लाख से ज्यादा रुपये खर्च किए थे इन्हें पकड़ने के लिए। बाहर से स्पेशल पुलिस बुलाई गई इन्हें पकड़ने के लिए। क्रांतिकारियों से एक गलती हो गई थी। घटनास्थल पर एक चादर छूट गई थी और बाद में उसी चादर से पता चला कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की किसी सदस्य की चादर है और वहीं से ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। करीब 10 महीने तक लखनऊ कोर्ट में ये केस चला और करीब 40 से ज्यादा लोगों पे मुकदमा चला। सबको वकील दिए जा रहे थे। तभी रामप्रसाद बिस्मिल बोल उठे कि वकील लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना केस खुद अपने हाथ से लड़ा। उनकी लॉ और लैंग्वेज की समझ देख के जज हैमिल्टन ने उनसे कहा, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? तभी रामप्रसाद बिस्मिल ने हंस के कहा, जो किंग मेकर होते हैं उन्हें किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इन सभी का कहना था कि हम डकैत नहीं हैं, तुम हमें डकैत की तरह पोर्ट्रेट करना बंद करो। हम सब प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। हम तुम्हारी सत्ता से लड़े हैं, हम तुम्हारी हुकूमत से लड़े हैं, तुम्हारी गुलामी से लड़े हैं। धारा 121 लगी इन पे, 396 लगी जो जायज नहीं थी लगनी। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी क्रांतिकारियों में से किसी को काले पानी की तो किसी को 15 साल, किसी को 10 साल और किसी को 5 साल की सजा सुनाई गई। जो रोशन सिंह थे उनका इस वारदात में हिस्सा नहीं था, पर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें उनकी पुरानी घटनाएं और एचआरए का मुख्य सदस्य होने के कारण फांसी की सजा सुनाई। साल 1925 से 1927 के बीच इन पे बहुत सारे लेख लिखे, बहुत कुछ लिखा है भगत सिंह ने इन पे। एक नाम जो अंग्रेजी हुकूमत के कभी भी हाथ नहीं पड़ा। वो हर दिन कोर्ट में आया करते थे अपना रूप बदल के, हर ट्रायल में सुना करते थे, कोर्ट में बैठा करते थे, मगर फिर भी कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। वो नाम था चंद्रशेखर आजाद। उनके नाम में ही आजादी थी। इन सबको अलग अलग जेलों में रखा गया। इन सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा से फांसी दी गई। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर से फांसी दी गई। अपनी माता को एक खत लिखा था इनने देशवासियों के लिए कि मेरे देशवासियों, कभी भी धर्म के लिए मत लड़ना, हमेशा एक रहना। इन्होंने कुछ शब्द और लिखे थे जिनकी कुछ पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। उस दिन अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद से फांसी दी गई। ये कह गए, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर है भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक और पुनर्जन्म मांग लूंगा। और चौथे रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल से फांसी दी गई और वो आजाद जो कभी इनके हाथ नहीं लगे, बाद में चल के उन्होंने भगत सिंह के साथ एक नई क्रांति को जन्म दिया। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये आजादी बलिदान से मिली है, ये आजादी त्याग से मिली है। इस आजादी पर अभिमान करो और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम करो। मैं आपसे फिर मिलूंगा आपके इसी चैनल आई ओपनर पर। तब तक के लिए जय हिंद।